सो हरे कृष्णा गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप ये व्लॉग देख रहे हो, और सेकेंडली कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15, ठीक है, सुबह के 4:15 हो रहे हैं और मैं अभी उठ चुका हूँ। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी चलेंगे वॉशरूम और थोड़ा मतलब मुँह हाथ धो के फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले वॉशरूम, फिर मिलता हूँ उसके बाद मैं आपसे। तो गाइस, अभी तो मैंने कर लिया एक्सरसाइज, और गाइस सॉरी कि मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि एकदम से फ़ोन की बैटरी हो गई थी डाउन। मतलब मुझे पता नहीं था कि फ़ोन में कम चार्ज है, और मैंने देखा भी नहीं कि कितना चार्ज है, और मैं जैसे मैंने थोड़ा बहुत लॉक शूट करा उसमें फ़ोन की बैटरी हो गई ख़त्म। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको कल दिखाऊंगा पक्का। कल मैं पहले से फ़ोन चार्ज करके रखूंगा अपना, और कल दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी एक्सरसाइज की। मैं ज़्यादा तो मैं नहीं करता एक्सरसाइज, मतलब थोड़े बहुत मेरे पास डंबल वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत डंबल वगैरह रखे हुए हैं, तो इनसे थोड़े बहुत बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज में कर लेता हूँ। और अभी का सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 5:36, ठीक है। इसमें दिख नहीं रहा क्लियरली, इसमें दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये देख सकते हैं 5:36, ठीक है, 5:36 हो रहे हैं सुबह के। और अब चलते हैं फटाफट से नहाने के लिए, क्योंकि हमेशा मतलब मैंने खुद नहीं बोल रहे, मैंने भी सुना है, हमेशा हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सूर्योदय होने से पहले ही नहाना चाहिए, ठीक है। मतलब यानी कि जब सनराइज़ होता है तो उससे पहले हमें नहा लेना चाहिए। तो अभी हो रहे हैं 5:36 और अभी सनराइज़ हुआ नहीं है बाहर। अब चलते हैं फटाफट से नहाने के लिए, फिर उसके बाद पूजा करेंगे और चलेंगे फिर सीधा साइकिलिंग करने, ठीक है। उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो गाइस, अभी तो मैंने नहा लिया है बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से नहा के आ चुका हूँ मैं। और मैंने अंदर कैसे शूट नहीं करा क्योंकि अभी सब मतलब घर में काम वगैरह चल रहा है, ठीक है, काम वाम कर रहे हैं घर में सब। तो अभी मैं नहा के बढ़िया से आ चुका हूँ थोड़ा, ठीक है, नहा के बढ़िया से आ चुका हूँ मैं अभी। और अभी चल रहे हैं हम मंदिर, सामने मंदिर है, सुबह सुबह मंदिर जाया करो गाइस आप भी, और सुबह जल्दी उठ के नहाया करो, ठीक है। अभी चल रहे हैं मंदिर, यहाँ पे मंदिर है सामने, और हमारी जो कॉलोनी है वो उस साइड है, ये दूसरी कॉलोनी में मंदिर है। मतलब हमारी जो कॉलोनी है उसमें भी मंदिर है, लेकिन मेरे को उसमें जाना पसंद नहीं है इतना। तो अब मैं इसी मंदिर में आ चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप कि ये होली का दहन के लिए लग चुका है। और ये भाई, अरे 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 बंदर भाई 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 ऐसा डरा दिया यार तुमने तो मेरे को यार, हद है यार। ठीक है गाइस, सामने हमारे शिव शंभू जी भी आ रहे थे आराम से। अब चलते हैं मंदिर में एक बारी। चलते हैं मंदिर, वैसे हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं आप। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए गाइस, सभी लोग शिव जी के दर्शन कर लीजिए, अति सुंदर, क्या बात है। अब मैं एक बार जरा फ़ोन को कहीं पर सेट करता हूँ और फिर जल चलाते हैं। और रुको जब तक, मैं आपको शेरावाली माता के भी आप दर्शन कर लो एक बारी। जय माता दी, जय माता दी, ठीक है। और हमारे प्यारे हनुमान जी, क्या बात है, क्या बात है, जय श्री राम। अब मैं एक बार जरा फ़ोन को सेट करता हूँ कहीं पर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार मुझे फ़ोन सेट कर लेता हूँ, एक बार रुक जाओ गाइस, कहीं कैमरा सेट करने की जगह तो मिली नहीं यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी। तो चलो कोई बात नहीं, हम लेते हैं अपना कलश और भरेंगे इसमें पानी फटाफट से, ठीक है। ये रहा नलका, नलका खोल के भरते हैं इसमें पानी। इसको यहाँ रख के करेंगे नलका बंद। अंकल जी बढ़िया सुबह काम करते हो अपने, भाई आप भी काम करा करो जो भी काम होता है, ठीक है। जल एक बार रुक जाओ, मैं इसको फोन को इस हाथ में ले लेता हूँ अपने, ठीक है। जय हो शंकरा, शंकरा।
आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा। तो गाइस चल, तो हमने चढ़ा दिया शिव जी को, अब फटाफट से चलते हैं वापस से घर को। ठीक है, हमने घंटी भी बजा दिया यहाँ पे। भाई बंदर तो नहीं है ना भाई, इनसे ऑर्डर लगता है यार। चलो कोई बात नहीं, मंदिर से तो आ चुके हम बाहर, अब चलेंगे अपने मंदिर, अपने घर के मंदिर में, और वहाँ करेंगे पूजा। ठीक है, बाहर वाले मंदिर तो मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने शिव जी को जल चढ़ा दिया, अब चलेंगे अपने घर के मंदिर में, वहाँ करेंगे पूजा, फटाफट लगाएंगे तिलक और फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। चलते हैं फटाफट से अपने घर को। और गाइस सुबह सुबह का मौसम, भाई साहब यही तो होता है सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा, यही तो होता है सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा। तो गाइस मतलब मैं आज उठाऊँ मतलब 4 बजे, लेकिन मतलब मैं पहले भी उठता था, लेकिन मैंने सर्दियों में उठना छोड़ दिया था, क्योंकि सर्दियों में मतलब सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, मतलब बहुत भयंकर वाली ठंड होती है दिल्ली में। तो दिल्ली में भयंकर की गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। तो अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, ठीक है, और ब्लॉग बनाएंगे अपना बढ़िया। लेट्स गो, मिलता हूँ आप संडे। ठीक है, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे। तो गाइस अभी तो पहुंच चुके हैं हम लोग लोधी गार्डन, और हमारी जो साइकिल है वो हमने खड़ी करी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे खड़ी करी है, और ये सक्शन डॉन, और ये लेफ्ट में पूरा लोधी गार्डन है, और यहाँ पे मतलब पार्किंग, यहाँ पे दो पार्किंग है, एक पीछे की तरफ है और एक यहाँ पे भी है। तो हम तो यहीं पे पार्क करते हैं हमेशा अपनी साइकिल। ठीक है, अभी चलते हैं अंदर और फिर और बातें कंटिन्यू करते हैं आगे। भाई आ चुके हम लोधी गार्डन के अंदर। ठीक है, थोड़े बाल सेट कर लूँ, सामने लोधी गार्डन पूरा अपना बढ़िया। और गाइस बहुत टाइम बाद हम लोधी गार्डन आए हैं, मतलब लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट टाइम हम लोग आए थे भाई दिसंबर में, दिसंबर में आए थे, उसके बाद हम अब आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, प्री बोर्ड के बाद फिर बोर्ड स्टार्ट हुए, और बोर्ड हमारे ख़त्म हुए थे कल 12 तारीख को, नहीं सॉरी 11 को, 11 को हमारा लास्ट बोर्ड था मैथ का। उसके बाद भाई जो राहत मिली है ना हमें, कसम से भाई वो राहत नहीं भूल सकते हम। और आ यहीं चले, आ रहे हैं चलते हैं भाई, कदी सांप हो अंदर। भाई 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 तो भाई नेपाल भाई, ये तो भाई कुछ तो भाई, निकल 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 भाई, निकल निकल निकल। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, वो कितना तगड़ी चीज है भाई। भाई मतलब हाँ, मैं क्या बता रहा था, बोर्ड ख़त्म हो गए हमारे यहाँ भाई, बोर्ड ख़त्म होने के बाद जो हमें राहत मिली है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये हम भाई जेल से छूट गया भाई, कसम से ऐसा लग रहा है भाई, भाई पागल हो गए थे पढ़ पढ़ के भाई, आँखें भाई सो नहीं पाई थी पूरी पूरी भाई, सो नहीं पाए थे हम भाई, भाई टेंशन हो जाती थी कि यार क्या होगा क्या होगा। क्या बात है अंकल जी, आजा आजा आजा, उनके भाई को जान दे, भाई तो पीछे रुक गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। सेक्शन डॉन से पूछो भाई कितना टेंशन था, सेक्शन डॉन बताया यार, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे भाई, मतलब पेपर कैसे जाएंगे और पेपर मतलब कैसे जाएंगे, वही तो भाई मतलब जैसे करते दे दिए बस भाई, दे दिया भाई, पढ़े भाई पढ़ा भाई, जो देखा है भाई भगवान की, पेपर देख के कुछ याद नहीं आया, फिर उसके बाद में थोड़ा मन से भाई, देखो भाई मन से तो हर कोई बनाता है यार, चाहे वो कोई भी भाई, आजकल भाई पहले का भाई होता था कहीं रट रहे हैं भाई बच्चे को, आजकल भाई क्या करते हैं भाई, समझते हैं फिर भाई उसको मतलब अपनी लैंग्वेज में बना के लिखते हैं। तो वही हमने करा भाई, समझा टॉपिक को, टॉपिक क्लियर करा अपना उसको,
मन में बनाया अच्छे से अपनी लैंग्वेज में और फिर उसको लिखा। पर पीछे हो रहा, पीछे हो रहा, पीछे हो रहा, पीछे हो रहा भाई, एथलीट आ रहा। ठीक है भाई, उसके बाद भाई अब तो भाई रोज आएंगे हम लोधी गार्डन, तो अब रोज आएंगे कुछ भी हो रहा भाई तक। भाई 12 बजे तक भाई रोज आएंगे अब, मतलब हाँ रोज़ तो आएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और 11 में 16 तारीख को हमें कहाँ जाना था? हम 16 तारीख पेपरों के पहले भी एक बार मिलकर आए हैं और एक बार पेपरों के बाद में भी, और अभी होली भी आ रही है, वो तो है ही टाइम में, तो होली पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो हमने सोचा होली पहले हमारा प्लान था कि हम लोग जाए, और भाई साहब ऊपर तो भाई कब्जा करके बैठे हों, एक दोनों नीचे से जा रहे भाई। ठीक है तो जो भाई बताता हूँ अभी क्रॉस करने देखो गाड़ी, आ जाए इधर से, आ जा आ जाए इधर से, आ जा। देखो भाई पहले हमारा प्लान था कि हम जाएंगे, होली है हमारी 25 तारीख की, ठीक है 25 मार्च की होली है, और पहले प्लान था कि हम जाएंगे 24 तारीख को, लेकिन प्लान में फिर हमने सोचा कि भाई 24 तारीख को जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम रहेगी बहुत ज़्यादा भीड़ इस्कॉन में, बहुत भीड़, मतलब वृंदावन में जितनी भीड़ रहती है उससे मुझे थोड़ी कम, क्योंकि वृंदावन तो बहुत बड़ा, बहुत जन आते हैं, पर हमारा दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल भी बहुत बड़ा इस्कॉन टेम्पल है एज़ कम्पेयर टू वृंदावन। वृंदावन का मेरे को जब मैं गया था वृंदावन, तो मेरे को उसका इस्कॉन टेम्पल थोड़ा छोटा लगा, हमारे जो दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल है ग्रेटर कैलाश वाला। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना जब संडे पड़ रहा है, मतलब संडे तो पड़ रहा है 18-19 तारीख का, लेकिन हम 16 तारीख को जा रहे हैं, तो फ्री तो बैठे ही हैं, क्या करेंगे घर में भी पबजी भी कितना ही खेल लेंगे। ठीक है फिर हम जाएंगे 16 तारीख को इस्कॉन, बढ़िया होली खेलेंगे हमारे हरे कृष्ण जी के साथ, और फिर चलेंगे कुछ बढ़िया खाने के लिए। और बताओ भाई कुछ बढ़िया कुछ? और बस हमारा यही तो प्लान है अभी अभी के लिए, और बाकी बाद में देखते हैं, अगर कहीं और जाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखा देंगे, वो तो दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए भाई। ठीक है और बस अभी चलते हैं, फिर थोड़ा घूमेंगे, ऐसे आके कुछ बढ़िया दिखेगा तो दिखाऊंगा आपको, नहीं तो फिर आप भी बोर हो जाओगे क्या देखोगे इधर, है ना। चलो फिर कुछ बढ़िया दिखता है तो दिखाता हूँ आपको, तब तक के लिए बाय। हाँ जी तो गाइस अभी आ चुके हैं हम कहाँ पे, पता नहीं कोई तो जगह ही है, कोई तो कॉम्ब टॉम्ब है, कॉम्ब कह रहा हूँ, कोई तो टॉम्ब है। अभी चलते हैं इसके अंदर, वैसे सिर्फ तू तो पहले आया हुआ है, क्या है इसके अंदर वैसे? मैं तो आ जाया हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब पुराने लोगों की जैसे, मतलब जो मुगल्स वगैरह थे ना उनके अंदर कब्रें बनी हुई हैं। अच्छा वो रियल है? अच्छा जी सारी की सारी रियल, भाई साहब पहाड़ बना रखा है यहाँ तो भाई, कति सक्सम डॉन ही कह दें भाई साहब ने, मौसम देखो भाई थोड़े से, अंकल जी चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब चल रहे हैं, चल रहे हैं फिर दिखाते हैं आपको। वही क्या था जी, क्या था, क्या आवाज़ आवाज़ सुनाई नहीं दी अभी, ये देख फिर आई अंदर कबूतर, सॉरी गाइस कबूतर है गाइस, आ चल रहे हैं, चल रहे हैं ऊपर, नहीं यहाँ रहने दे, रुक जाओ भाई दिखाते हैं आपको अंदर का क्या सीन, अंदर का आ रहे हैं, चल रहे हैं आ रहे हैं, इससे पूछना आ रहा, रुक जाओ गाइस ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको। ओ भाई एक तो भाई है ना, ये आशिक जितने भी होते हैं इनको यहीं आके लिखना होता है, देखना शिव यू, शिव अंडरस्कोर यू अंडरस्कोर वन, दुर्लभ दुर्लभ 30 जुलाई भाई, क्या है 30 जुलाई का आऊंगा, देखूंगा क्या यहाँ पे 30 जुलाई को, ये देखना ए लव एस, अबे यार ये खुशी देखियो, ये देखियो, ये देखियो, अच्छा ये देखियो एन लव एच, ये रहा भाई तुम्हें और वो जगह ना मिलेगा, वुमन वुमन वंशराज पूत, वीर वीर, अच्छा वीर जैद जैद लक्ष, हिमांशी हिमांशु हिमांशु, चल छोड़ा भाई 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 मेरे हिसाब से तो भाई ये सिर्फ पत्थर ही है भाई, कुछ तो है नहीं भाई, रियल है इनके अंदर, सच में कबर है, सच में कबर है। अगर मैंने अभी हनुमान चालीसा गा दी ना एक बार, सिस्टम उठा दूंगा ये मेरे मिनट से पहले, हमारे हनुमान चालीसा गाने को भाई टिक पाता है क्या है, हनुमान चालीसा भाई बीजा में खेल रहे भैया तो यार। ठीक है गाइस तो सचिन तो कुछ बता रहा था अभी, और गाइस बता दो कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं जो बताया गाइस, कसम से बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, ये रियल है इसके ताऊज की कहानी, बाहर की तरफ आ थोड़ी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ गाइस, एक मिनट रुक जाओ, बताओ यहाँ बता
थोड़ा तेज बोलियो। पहले ना यहाँ पर मैं जैसे पहले मतलब पापा बोल रहे थे कि जैसे हम लोग आते थे ना सुबह सुबह, तो मेरे ताऊ जी के साथ में आते थे, तो मेरे ताऊ जी ना मतलब उस टाइम पे हमारी उम्र के थे, तो उन्होंने मतलब कि ना यहाँ पर तो मतलब कब्रों के ऊपर मैंने टॉयलेट कर दिया था तेरे ताऊ जी ने। हाँ तो, हाँ तो जब वो घर गए ना तो जैसे वो सोते हैं ना तो क्या बोलते हैं नींद में चलते थे वो, और नींद में चल करके फिर वॉशरूम करने जाते थे। एक दिन हमारी चाची जी ने देख लिया तो उन्होंने बोला कि इसको क्या हो गया, तो फिर किन्नी से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि इनके अंदर मतलब कि इन्होंने कहीं पर मतलब टॉयलेट वगैरह कराए तो देखा था, तो मतलब उन्होंने यहीं के ही बताया था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, तो फिर मतलब काफ़ी टाइम लगा उसको ठीक होने में मतलब रिकवर होने में। तो मतलब उनके साथ कुछ होता था पैरानॉर्मल? हाँ, मतलब जैसे डर जाना लेटे लेटे और बहुत तेज तेज चिल्ला देते रात। भाई हनुमान जी के सामने कौन टिक पाएगा मेरे को बताओ भाई, भाई तू बता भाई कौन टिक पाएगा भाई, बता बता भाई कौन टिक पाएगा, कौन है भाई? ये देखियो भाई तोड़ के गए बंदे, देखियो देखियो एम लिखा हुआ है, क्या क्या हो गया ये देख, तोड़ के गए भाई जो भी है पत्थर, ये देख ले, ये देख, ये देख हद है भाई, हटना मैं तो नहीं मानता, जब बैठा था जब की तब देखेंगे क्या होगा, क्यों भाई है ना भाई, मानने को तो हर चीज़ मानो ना मानो तो कुछ भाई। देख भाई मेरा तो भाई ये है कि भाई जब भाई मेरे साथ कुछ होगा ऐसा यहाँ से रिलेटेड कुछ होगा तब के तब देखेंगे। हाँ अगर पहली बार तो हो अभी हनुमान चालीसा गादू के हनुमान चालीसा है, ये उठ के भागेंगे अभी यहाँ से। नो हेट नो हेट भाई, नो हेट, कोई वेट नहीं है, बस मजाक में बोल दिया ठीक है। और बताओ भाई कुछ भाई साहब, भाई मतलब हद में जा रही है ये तो भाई दीवारी भाई, लव यू, ये देखियो भाई अरे आसिफ भाई यार आसिफ, ये देखियो यश, ये देखिए लंबू देख ले क्या करने में लगा पड़ा है तू, अन्या अच्छा बेटा तेज हो रहा है लंबू, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई अब चलते हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा ठीक है, चलते हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई अभी तो हम निकल रहे हैं बस लोधी गार्डन से बाहर ठीक है, सामने एग्जिट है और ये सक्षम लोधी गार्डन से बाहर निकल रहे हैं, और अभी देखेंगे कुछ आसपास खाने पीने का बढ़िया सा कुछ मिल जाए तो, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने। तो कुछ खा गया भाई? मैंने तो कुछ नहीं खाया, और जूस वगैरह पियेंगे और चलते हैं देखते हैं कुछ बढ़िया सी जगह कुछ मिलेगी तो। ठीक है फिर दिखाएंगे आपको कुछ बढ़िया से मिलता है तो। शेर भाई अभी तो हम लोग आ चुके कुछ खाने पीने बढ़िया ठीक है, और यार कुत्ते ने बहुत दिमाग खराब कर रहा है, ब्लॉग नहीं बनाने दे रहा। कहाँ पे है सक्षम भाई? हम आए हैं यहाँ पे कोई तो छोले भटूरे की दुकान है यहाँ पे ठीक है, ये मैं दिखा दूँ आपको, इसमें टूट जाओ, ये है चौहान जी के छोले भटूरे ठीक है। और भाई यहाँ पे जा लेके आओ मुड़े, ओए सक्षम लेके आ, उस साइड को आ जाइयो, क्या हो गया आज ये लग चुके हैं हमारे बढ़िया गरम गरम छोले भटूरे, अब हमारे लिए क्या ये नहीं है चल तू रेडी ठीक है, वहाँ पे खड़ा हूँ मैं, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे खेलते हैं जगह बढ़िया से, हम यहाँ पे रख के खाएंगे। और आज मतलब जो है ये जगह ये बहुत फेमस है बता दूँ आपको, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे सुबह, अभी सुबह का देख सकते हैं आप कितने 8:53 हो रहे हैं, और अभी भीड़ देख लो अभी वाली ठीक है, सुरक्षा अभी लेके आ रहा होगा फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी हम आ चुके थे छोले भटूरे खा के और थक गए हैं भाई बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब एक तो ऊपर से वो इतने हैवी थे, ऊपर से भाई अभी भाई साहब ने ले लिया ये बहुत ज़्यादा, दिखा दिखा तूने क्या लिया, ये देख ये ले लिया ऊपर से भाई इस बंदे ने ये ले लिया ये लेमन सोडा, अब भाई समझ नहीं आ रहा कैसे पिए इसे, ले तो हमने लिया है भाई कैसे पिए, चलो पिए तो पड़ेगा पैसे तो लगे पीने तो पड़ेगा, चलो कोई नहीं पीते हैं ठीक है, और क्या देखने में लगा पढ़ाई तू, इसके बाद रीडी ख़त्म नहीं होती, चलो कोई नहीं अब चलते हैं फिर इसको पी के घर चलेंगे, और क्या है ना या फिर कहीं और घूम रहे छुट्टियाँ तो आई अपनी, एक राउंड और लगा लेंगे और ठीक है, चलो ठीक है गाइस मिलते हैं फिर आपको दी बताएंगे क्या कुछ चीज़ें, अभी से पीते हैं हम भाई, पेट में जगह तो है नहीं पर पीना तो पड़ेगा ही, चलो कोई बात नहीं पीते हैं ऐसे करते हैं ख़त्म, फिर मिलते हैं आपसे।
तो भाई अभी मैंने पी ये जो भी है, ये पता नहीं क्या है, ये लिमोनाटा लेमी मिंट मिंटी कूलर जो भी है, अभी मैंने लिए और मतलब एकदम बहुत बढ़िया टेस्ट था, बहुत बढ़िया टेस्ट। सच में इतना एक बार पी के बताना भाई कैसे टेस्ट है एक बारी, मुझे तो भाई मज़ा आया पी के, तुम बताने एक बारी भाई। भाई जल्दी कर यार, अबे हाय भाई भाई मतलब एकदम गंद, मतलब भाई मूड खराब हो गया भाई सारा, पता नहीं भाई क्या है, मतलब क्या है ये बिस्लेरी ने क्या बना दिया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। बिस्लेरी वालों क्या करके मानोगे, क्या बना रहे हो भाई, हैं पैसे तो तुम ले रहे हो भाई, चीज तो कम से कम दो ढंग की। पानी में नींबू मिला के दे दिया बस भाई, नींबू का टेस्ट भाई ऐसे वैसे, मतलब मतलब 10 साल से नींबू भाई पड़ा हुआ है किसी कोठरी में और फिर से भाई निचोड़ के दिया है पानी में भाई, क्यों ले लिया भाई यार, छोड़ दो भाई, बीसी कोक लेते हैं हम। चलो भाई छोड़ो भाई, थोड़ा कुरकुरे खा के भाई मुंह का टेस्ट सही करो। ये तो ठीक है, ठीक है तो है, ये भी ठीक ही है। चलो खा पी के मिलते हैं फिर आपसे ना। तो गाइस वापस से हम लोग आ चुके हैं अभी लोधी गार्डन में, क्योंकि और तो कोई जगह हमें पता नहीं है, मतलब पता है पर जाने का मन नहीं है अभी, और सबसे क्लोज हमारे यही था और छुट्टियाँ भी पड़ चुकी हैं, अब घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने सोचा फिर से आ जाते, क्यों भाई सक्षम भाई है ना भाई, खाली बैठे हुए हमने अब इधर से लाइट आएगी, रुचो तो काले काले शो कर यहाँ से एकदम बढ़िया आएगी, हमने सोचा भाई वापस लोधी गार्डन आ जाते हैं ना। तो वापस से हम लोग आए लोधी गार्डन, अभी थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे उसके बाद चलेंगे घर को। और गाइस हम दोनों के इंस्टाग्राम को कर लेना फॉलो, ठीक है, दोनों का इंस्टाग्राम हमारा होगा यहाँ पर, दोनों के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, और मतलब जो भी उसमें नए नए अपडेट्स होंगे उसमें आपको पहले इंस्टाग्राम पता लग जाएंगे, क्योंकि ब्लॉग तो एक दिन बाद ही आता है, तो कुछ भी ना अगर नया कहीं भी हम जा रहे होंगे फिर कुछ भी हो रहा होगा तो वो आपको इंस्टाग्राम में पहले ही पता लग जाएगा। तो दोनों के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना जाकर, और मैंने एक वीडियो भी एडिट करी है जिसको मैं मतलब डालूंगा रील पे, आप आज इंस्टा पर अपलोड कर दूंगा, तो जाकर उसको भी लाइक करना और फॉलो कर देना दोनों के इंस्टाग्राम को, ठीक है सक्षम भाई, तेरा प्रमोशन कर दिया। चलो भाई अब थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं और फिर क्या ही करें यार, कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, बोर हो रहा भाई घर में, तो मैं कहती भाई अबे यार एक तो भाई ऐसे चलना पड़ेगा भाई यार, फ़ोन भी कितने, सही बात है भाई। चलो और तो क्या ही करें, देख लेंगे बैठे बैठे जो भी बन रखे हैं ये मकबरे से, है भाई ठीक है भाई, चलो ओके भाई, हमारी मैं बता देता हूँ, जब हम पहले आते थे हमेशा, है भाई सच्चा मैं बता दूँ क्या भाई, जब भी हम पहले आते थे हमेशा हम लोग बैठते थे इस वाली बेंच पे, हमेशा इस वाली बेंच पे बैठते थे, और आज भी इस वाली बेंच पे बैठेंगे, क्यों भाई सही कह रहे हो कि नहीं कह रहा, आ जाओ भाई चलो भाई, आगे भी तो लगी आगे वाली हटा दी ना, चलो कोई नहीं दोस्तों,